الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب وعن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الملائكة تذو أجنحتها रिदन लिकालिब इल्म। मोहतरम हाजरीन, जैसा कि आप सभी हजरात वाकिफ़ हैं कि आज के प्रोग्राम के असल मुकर्रर मोहतरम जनाब हाफिज़ शकील साहब हैं। नाचीज़ चंद मिनट आपसे रूबरू होगा जिसमें मुख्तसर अंदाज में इल्म की अहमियत और मुस्लिम साइंसदान इस टॉपिक पे कुछ रोशनी डालने की कोशिश की जाएगी। मैंने आपके सामने कुरान करीम की एक आयत पढ़ी है और एक लंबी हदीस का एक छोटा सा टुकड़ा आपके सामने मैंने पढ़ा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान करीम की इस आयत के अंदर इरशाद फरमाता है कुल हल यस्तविल लजीन यालमून वल लजीन ला यालमून। आप कह दीजिए कि वो लोग जो जानते हैं और जो लोग नहीं जानते बराबर नहीं हो सकते। इन्नमा यतदक्कर उलुल अलबाब, यकीनन नसीहत सिर्फ और सिर्फ अक्ल वाले ही पकड़ते हैं। अबू दर्दा रजी अल्लाह तआला अन्हु अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मशहूर सहाबी हैं। दिमश्क की मस्जिद में बैठे हुए हैं। इनके पास एक शख्स मदीने से चल करके जाता है और वो ये कहता है कि मैंने सुना है कि आप अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई हदीस बयान करते हैं, मैं उसकी तहकीक के लिए आपके पास आया हूँ। अबू दर्दा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उनसे पूछते हैं क्या तुम किसी और बिजनेस से नहीं आए, क्या तुम किसी और ज़रूरत से तो नहीं आए? वो साहब कहते हैं कि मैं सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सुनने के लिए आपके पास आया हूँ। अबू दर्दा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बरदस्त हदीस इल्म की फजीलत पर बयान फरमाते हैं और कहते हैं कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है मन सलक तरीकन यतलुबु फीही इल्मन सलक अल्लाहु बिही तरीकन इलल जन्ना। जो शख्स इल्म के रास्ते पे चलता है, इल्म हासिल करने के लिए कहीं जाता है और उसका मकसद सिर्फ और सिर्फ इल्म हासिल करना है, अल्लाह की रजा हासिल करना है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके जरिए से उसका जन्नत का रास्ता हमवार कर देता है। अल्लाह और आपको पता है ये साहब कहाँ से गए हैं? ये मदीने से दिमश्क गए हैं। दिमश्क मदीने से 1000 किलोमीटर से ज़्यादा दूर है और किस लिए गए हैं? एक हदीस सुनने के लिए गए हैं। अंदाज़ा करें, एक हदीस सुनने के लिए एक साहब मदीने से दिमश्क का सफ़र करते हैं, किस कदर मेहनत की उन्होंने इल्म हासिल करने के लिए। और अगर कोई ऐसा करता है तो उसका ये सफ़र ज़ाये नहीं है, ये बर्बाद नहीं है, ये घाटे का सौदा नहीं है, नुकसान का सौदा नहीं है, बल्कि ये सफ़र उसका आप ये समझे जन्नत की तरफ ले जाने वाला है।
और ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन जन्नत का रास्ता उसके लिए हमवार कर देता है। और यहीं पे बस नहीं, इसके अलावा क्या फजीलत है, आगे फरमाते हैं अबू दर्दा रजी अल्लाह तआला अन्हु, वल मलाइकातु तदउ अजनिहताहा रिदन लितालिबिल इल्मी, और फरिश्ते अपने पर उस तालिब इल्म के लिए बिछाते हैं, अपने पर फरिश्ते तालिब इल्म के लिए बिछाते हैं। और क्या फजीलत है, वइन्नल आलिमा यस्तगफिरु लहु मन फिस समावाति व मन फिल अर्दी वल हीतानु फिल माई, और एक आलिम के लिए जमीन के अंदर जो भी जानदार है, आसमान में जो भी जानदार है, यहाँ तक के समंदर की मछलियाँ उसके लिए इस्तिगफार करती हैं। वइन्नल आलिम, आलिम के लिए अंदाजा करें इल्म की फजीलत का मकाम कितना बुलंद है अल्लाह रब्बुल आलमीन के नज़दीक। एक शख्स अगर इल्म हासिल कर रहा है, या फिर इल्म बांट रहा है, या फिर इल्म लोगों को सिखा रहा है, उसके लिए जमीन आसमान का हर जानदार उसके लिए दुआए मगफिरत फरमा रहा है। आज हमने कामयाबी के नए नए तरीके ढूंढ लिए हैं, नए नए मेयार कायम कर लिए हैं, नए नए स्टैंडर्ड कायम कर लिए हैं। हमारे यहाँ कामयाब वो है जिसके पास दौलत बहुत है, पूंजी बहुत है, मनसब बहुत ऊंचा है, पोस्ट बहुत ऊंची है, लेकिन इससे बड़ी कामयाबी क्या कोई शख्स दिखा सकता है, इससे बड़ी कामयाबी क्या कोई शख्स दे सकता है कि एक आलिम के लिए ज़मीन आसमान की हर जानदार चीज़ उसके लिए इस्तिगफार कर रही हो, उसके लिए मगफिरत मांग रही हो, फरिश्ते उसके लिए अपने पर बिछा रहे हो, समंदर की मछलियाँ उसके लिए दुआ कर रही हो, ये आलिम की फजीलत है। और यहीं पे बस नहीं, आगे फरमाया वइन्नल आलिम वफ़ज़लुल आलिम अलल आबिद कफ़ज़लिल बदरी, और आलिम की फजीलत एक आबिद पर कफ़ज़लिल क़मरी लैलतिल बद्री अला साइरिल कवाकिब, उस चांद की तरह से है जो चौदहवीं का चांद है और उसके मुकाबले में बाकी सारे सितारों की कोई अहमियत नहीं है, उस ऐसी फजीलत उस आलिम की है। और इन्नल उलमा वरसतुल अंबिया, उलमा अंबिया के वारिस हैं। इन्नल अंबिया लम युवर्रिसु दीनारं वला दिरहमा, और अंबिया ने ना तो किसी को दीनार का वारिस बनाया, ना दिरहम का वारिस बनाया, ना सोने का, ना चांदी का, ना पैसे का, ना रुपये का वारिस बनाया, तो और रसूल इल्मा इल्म का वारिस बनाया। फमन अखदहु अखद बिहद्दिन वाफिर, और जिस शख्स ने उस इल्म को हासिल कर लिया उसने एक बहुत बड़ा हिस्सा हासिल कर लिया, उसने बहुत अच्छी चीज़ हासिल कर ली, बहुत अच्छी दौलत उसने हासिल कर ली। आज इस हदीस को सामने रखें और गौर करें कि हम में से कितने लोग हैं जो इल्म को अल्लाह रब्बुल आलमीन की रज़ा के लिए हासिल करते हैं, अल्लाह ताला को खुश करने के लिए हासिल करते हैं और दीन सीखने के लिए हासिल करते हैं। अगर हमारी नियत ऐसी है, और होनी चाहिए हर मुसलमान की नियत कि वो इल्म को अल्लाह को खुश करने के लिए हासिल करे, तो फिर उसके मकाम का कोई अंदाज़ा नहीं किया जा सकता और उसके मकाम का कोई मुकाबला नहीं किया जा सकता आम लोगों से। आज हमारे यहाँ उलमा की कद्र सिर्फ इस वजह से घट जाती है कि ये सिर्फ मस्जिद में इमाम होते हैं, खतीब होते हैं, इनकी तनख्वाह 4,000-5,000 होती है, इसलिए मुआशरा इनको कोई वैल्यू नहीं देता, कोई इनको कद्र नहीं, कोई इनको जो है किसी लायक नहीं समझता। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन के नज़दीक यकीन जाने इनका मकाम बड़ा बुलंद है। और वो मशहूर रिवायत जिसके अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमा, लोगो तुम में सबसे बेहतर इंसान वो है जो कुरान सीखता है और कुरान सिखाता है।
आज दुनिया में बड़ी बड़ी पोस्ट हैं, बड़े बड़े मर्तबे हैं, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने नबी की ज़बान से ये ऐलान करा दिया और इस चीज़ का लोगों को ये इल्म करा दिया कि लोगों, अगर तुम ऊंचा मकाम हासिल करना चाहते हो, अल्लाह रब्बुल आलमीन के नज़दीक बड़ा मर्तबा हासिल करना चाहते हो, तो तुम्हें कुरान सीखना होगा और कुरान की तालीम लोगों को देनी होगी। और यही वजह थी, यही सबब था कि तालीम इस्लाम के अंदर बड़ी अहमियत रखती है। और इस्लाम एक ऐसा नादिर और मुनफरिद मज़हब है दुनिया का कि जिसकी दीनी किताब की इब्तिदा लफ्ज़ क़िरा से, इक़रा से होती है कि लोगों पढ़ो, इक़रा बिस्म रब्बिकल लज़ी खलक, पढ़ो अपने उस रब के नाम से जिसने तुम्हें पैदा किया है, जिसने तुम्हें पैदा किया है। और यहाँ बड़ा बारीक नुक्ता और बड़ी अहम बात वो ये कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जहाँ पढ़ने का हुक्म दिया, वहाँ तख्लीक का भी हुक्म दिया, वहाँ क्रिएशन का भी हुक्म दिया। क्यों? इससे क्या है, इन तमाम चीज़ों की तरफ इशारा अल्लाह रब्बुल आलमीन खलक में कर रहा है। इकरा बिस्म रब्बिकल लज़ी खलक, पढ़ो अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया है। और एक नुक्ता यहाँ ये बयान हो रहा है कि पढ़ाई की इब्तिदा आपकी अल्लाह के नाम से होनी चाहिए। आपका बच्चा जिस स्कूल में पढ़ रहा है, जिस इंस्टीट्यूट के अंदर पढ़ रहा है, ऐसा इंस्टीट्यूट होना चाहिए, ऐसा स्कूल होना चाहिए कि उसकी इब्तिदा अल्लाह के नाम से हो। वो ये जाने कि उसका रब कौन है, वो ये जाने कि वो क्यों पैदा किया गया है, वो ये जाने कि उसके पैदाइश के बाद उस अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो भेजा है तो इसका मकसद क्या है। ये चीज़ हमारे लिए ज़रूरी है। और मेरी टॉपिक का दूसरा हिस्सा ये था मुस्लिम साइंटिस्ट, मुस्लिम साइंसदान। जब ये बात आती है तो बहुत से लोग यकीन नहीं कर पाते कि क्या मुसलमानों में भी साइंटिस्ट पैदा हुए हैं, क्या मुसलमानों में भी साइंसदान हुए हैं। आज हमें इल्म नहीं है, आज हमारे बहुत सारे बड़े बड़े डॉक्टर, इंजीनियर्स जो आज मुस्लिम मुआशरे में हैं, लेकिन उनको भी इस बात का इल्म नहीं होता कि ये जो साइंस आज इस मकाम तक पहुंची है, इस मकाम तक साइंस को पहुंचाने में सबसे बड़ा किरदार अगर किसी का रहा है तो मुस्लिम साइंसदानों का रहा है। हम ये जानते हैं कि यूनानी तहजीब दुनिया की एक बड़ी पुरानी तहजीब है और उन्होंने बहुत सारे उलूम और फ़नून दुनिया को दिए। और उसके बाद यूरोपियन कंट्रीज़ ने, अंग्रेज़ों ने साइंस को बड़े ऊपर तक पहुंचाया और बड़ी तरक्की दी। ये दो कड़ियां हैं और ये दो ऐसे ज़माने हैं जिन दो ज़मानों के बीच में मुस्लिम रूल आता है, मुस्लिम हुकूमत आती है, मुस्लिम ज़माना आता है। एक ऐसा वक्त था कि जब यूरोप के अंदर उस ज़माने को डार्क एज कहा जाता था और उस ज़माने में इस्लाम के अंदर मुस्लिम हुकूमतों में उसको जो है इस्लामिक गोल्डन एज के नाम से जाना जाता है। जिस वक्त यूरोपियन लोग, अंग्रेज़ लोग, उनके यहाँ अगर कोई बीमार हो जाता तो फिर वो उसको कहते कि तू बुत के सामने जाके झुक, तेरा इलाज हो जाएगा। उस वक्त मुस्लिम हुकूमत के अंदर ऐसे ऑथोराइज्ड डॉक्टर्स थे, ऐसे डिग्री याफ्ता डॉक्टर्स थे जो बाकायदा सिस्टमेटिकली इलाज किया करते थे। और ये फ़ख्र, ये सेरा सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को हासिल है। आपने इब्ने सीना का नाम सुना होगा जिसको अंग्रेज़ों ने अवेसीना कर दिया, नाम भी चेंज कर दिया ताकि ये लोग अपनी तारीख को, अपनी हिस्ट्री को पहचान नहीं सके, इसलिए उन्होंने नाम भी चेंज कर दिए। इब्ने सीना ईरान का 10वीं ईसवी का, ये याद रखे, यूरोप में ये डार्क एज का वक्त है, डार्क ज़माना, डार्क एज है ये। उस ज़माने में इब्ने सीना ने इस कदर तहकीक की मेडिकल साइंस में कि उसकी किताब 17वीं सदी तक यूरोप के अंदर बराबर पढ़ाई जाती रही। अल कानून फित तिब नाम की उसकी बड़ी मशहूर किताब है, कैनन ऑफ मेडिसिन। उस किताब को अंग्रेज़ों ने तर्जुमा किया
इंग्लिश में, लातीनी जबान में और दूसरी जबानों में, और उन्होंने उसकी बुनियाद पर अपने यहाँ मेडिकल फील्ड की और मेडिकल एजुकेशन की उस पर उन्होंने बुनियाद रखी और उससे उन्होंने जो है मेडिकल फील्ड को तरक्की दी। इसी तरह एक और अबू बकर अर्राजी नाम के एक साइंटिस्ट गुजरे हैं। ये इस्लामी दुनिया में सबसे पहले साइंटिस्ट माने जाते हैं, लोग इन्हें सबसे पहला साइंटिस्ट मानते हैं, लेकिन मैं ये कहूंगा कि सबसे पहला साइंटिस्ट अगर कोई है इस दुनिया में तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। ये बात मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं। अल्लामा इब्ने क़य्यिम ने अत्तिब अन्नबी, तिब नबी नाम की किताब लिखी है जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेशुमार ऐसे तरीके बतलाए हैं, बेशुमार इलाज बतलाए हैं जिससे हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेशुमार बीमारियों का इलाज हमें मिल जाता है। इससे क्या पता चला कि मेडिकल साइंस की बुनियाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रखी है। और अफसोस की बात यह है कि जिसके नबी इस कदर तालीम याफ्ता, इस कदर वक्त की नबज को समझने वाले, वो कौम इस दुनिया में सबसे ज्यादा अनपढ़ और बैकवर्ड ख्याल की जाती है। और खास तौर पे इस हिंदुस्तान में जिनमें हमारा शुमार हिंदुस्तान की सबसे ज्यादा बैकवर्ड और पसमानदा कौमों में से होता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमें ये तालीम मिलती है और आप ही ने तालीम दी कि मा अंज़लल्लाहु दान इल्ला अंज़ल लहू शिफा, कि अल्लाह ताला ने कोई भी ऐसी बीमारी नहीं उतारी जिसकी शिफा नहीं उतारी हो। ये मेडिकल डॉक्टर्स के लिए बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है। कोई डॉक्टर डिसअपॉइंट नहीं हो सकता, मायूस नहीं हो सकता किसी भी बीमारी की दवा की रिसर्च में। उसको पता है कि कायनात के सबसे सच्चे इंसान मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात बता दी है कि हर बीमारी की दवा मौजूद है। इसलिए मेडिकल साइंटिस्ट जो है बराबर तहकीक और रिसर्च करते रहते हैं। लिहाजा वो बीमारियां जो आज से पहले जो है लाइलाज तसव्वुर की जाती थी, आज उनका इलाज मौजूद है। जिसकी एक मिसाल टीबी, ट्यूबरकुलोसिस भी है, टीबी भी है। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमें तहरीक मिलती है। और इसी के साथ साथ और भी बहुत से ऐसे साइंटिस्ट हैं, मैं दो चार मिनट में अपनी बात खत्म करता हूं। लोग ये समझते थे कि इंसान जो देखता है तो वो उसकी आंखों से रोशनी निकलती है इस बुनियाद पे देखता है, और ये पुराना ये अकीदा चला आ रहा था और बड़े बड़े लोग इसको मानते थे। लेकिन इब्नुल हैसम नाम का एक मुस्लिम साइंटिस्ट गुजरा है जो 11वीं सदी का है, सदी ईसवी का, और उसने ये साबित किया कि दरअसल हम अपनी आंखों के अंदर से निकलने वाली रोशनी की वजह से नहीं, बल्कि हमारी आंखों में जो रिफ्लेक्शन होता है, इनकास होता है, इस बुनियाद पर देखते हैं। और उस बुनियाद पर फिर अंग्रेजों ने और दूसरे लोगों ने तरक्की की, फिर चश्मे बनाए गए और फिर जो है माइक्रोस्कोप और तरह तरह की खुर्दबीनें और दूरबीनें बनाई गई। इसी तरह मैथमेटिशियन जानते हैं अलजबरा, ये अल जो लगा हुआ ये बता रहा है कि इसके अंदर अरबियत मौजूद है। अलजबरा ख्वाज़मी नाम का एक साइंटिस्ट था मुस्लिम, उसने अलजबरा की थ्योरी पेश की और फिर उसको दुनिया ने कबूल किया। मैंने चंद नमूने आपके सामने पेश किए हैं, वक्त इजाजत नहीं देता। ऐसे बेशुमार साइंटिस्ट आप सर्च करेंगे इंटरनेट पे जाकर के मुस्लिम साइंटिस्ट के नाम से, बेशुमार साइंटिस्ट हमें मिल जाएंगे। लेकिन फिर ये सवाल पैदा होता है कि जब बुनियाद हमने रखी साइंस की, लोगों को हमने बतलाया साइंस के बारे में, फिर हम इतने पीछे क्यों रह गए, इतने पीछे क्यों चले गए? इसका जवाब यह है कि जब मुस्लिम, जिस वक्त मुस्लिम हुकूमत थी और मुस्लिम हुक्मरान और खुलाफा, ये बड़ी अहम बात मैं बयान कर रहा हूं, मुस्लिम हुक्मरान अपने उलामा को और साइंटिस्ट को बड़ा एजाज दिया करते थे, उनको अहमियत दिया करते थे। उस वक्त वो पूरी तगो दौ के साथ मेहनत किया करते थे, दारुल हिकमत कायम किया,
हारून रशीद या मामून रशीद उसके बेटे ने रिवायत में इख्तलाफ है, और उस दारुल हिकमत बगदाद के अंदर दुनिया की बड़ी बड़ी किताबों का तर्जमा होता था और तहकीक रिसर्च होती थी। और मामून जो कि एक बड़ा इस्लामी हुक्मरा गुजरा है, उसका कायदा यह था कि अगर उसकी ममलकत के अंदर कोई शख्स किताब लिखता था और वो किताब काबिल कबूल हो जाती उसके नज़दीक, तो उस किताब के बराबर वो सोना तोल करके उसके राइटर को दिया करता था। इस बात का नतीजा था, एक तरफ कुरान हदीस से उनको इंस्पिरेशन मिल रही थी तालीम हासिल करो, और उन्होंने दीनी दुनियावी तालीम के अंदर तफरीक नहीं की, तफरीक की तो इल्म नाफे और इल्म गैर नाफे के अंदर तफरीक की, एक तरफ कुरान हदीस से, दूसरी तरफ हुक्मरा जो है उनको इस बात की तरफ बार बार उकसाते रहते थे कि तरक्की करनी है और हमें दुनिया से आगे बढ़ना है। लेकिन जब यही हुक्मरा आपसी इख्तलाफ खलफशार इंतशार का शिकार हो गए, तो वो वक्त 18वीं सदी ईस्वी जिसमें यूरोप तरक्की कर रहा था और मुगल हुक्मरान जो है लाल किले बना रहे थे, ताजमहल बना रहे थे, इन्होंने बिल्डिंगों की तरफ ध्यान दिया और इन्होंने जो है तालीमी तरक्की की तरफ ध्यान नहीं दिया, बल्कि आपसी इख्तलाफ इंतशार का शिकार हो गए। इस वजह से जो बुनियाद हमारे बुजुर्गों ने रखी थी, जो बुनियाद हमारे असलाफ ने रखी थी दीनी इल्म की या फिर जो है साइंसी इल्म की, इल्म नाफे की, उस बुनियाद का हम कोई फ़ायदा नहीं उठा सके। तो मैं अपने तमाम अहबाब से हाजरीन से गुजारिश करूँगा कि हम इल्म के मैदान में अपने आप को मुतहर्रिक करें और अपने बच्चों को ऐसा इल्म दिलाएं जिससे उनका दुनिया भी और उखरवी दोनों फ़ायदा हो। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है बारे इलाम सबको हक बात कहने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। बारकल्लाहु लना वलकुम फी अल-जन्नत।